हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। बेटा, आज की इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 10.4 करेंगे। 10.4 एक्सरसाइज में हमारे पास सर्कल्स के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। द क्वेश्चन नंबर 1 इज, ध्यान से बेटा इसकी स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट को समझने के बाद हम फिगर बनाएंगे और फिर उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोण। बेटा क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, दूसरे सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। दे इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो मैंने दो सर्कल बनाए हैं बेटा, एक सर्कल बनाया विद सेंटर एट पॉइंट ओ और इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। दूसरा सर्कल है विद सेंटर एट पॉइंट ओ डैश और इसकी जो रेडियस है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा क्या है, 3 सेंटीमीटर, ये गिवन है। आपको बताना, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। ये जो कॉमन कॉर्ड है दोनों सर्कल्स के बीच में, दिस पी क्यू, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी क्यू। कैसे करेंगे बेटा वो देखते हैं। लेट ओ एंड ओ डैश बी द सेंटर्स ऑफ गिवन रेडियाई। हमने क्या लिखा कि एक ओ है एक ओ डैश है, ये दोनों ही सेंटर्स हैं दोनों किसके, सर्कल्स के। अब इन दोनों के सेंटर्स का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर और जो रेडियाई है वो 5 और 3 सेंटीमीटर है। लेट पी क्यू बी देयर कॉमन कॉर्ड। और हमने ये अज्यूम कर लिया कि ये जो पी क्यू है ये उनकी कॉमन कॉर्ड है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या हो गया हमारे पास, ओ पी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओ डैश ओ ओ डैश इज 4 सेंटीमीटर एंड ओ डैश पी इज 3 सेंटीमीटर। तो बेटा इसको ध्यान से देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, यानी ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। और जैसा कि रिजल्ट हमने 10.3 एक्सरसाइज में पढ़ा था कि जो सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन है वो कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द कॉमन कॉर्ड। तो ये इस कॉर्ड का बाइसेक्टर है। इट मीन्स कि जितना पॉइंट, जितनी लेंथ ओ डैश पी की है उतनी ही लेंथ ओ डैश क्यू की भी होगी, यही हमने आगे मेंशन किया है। ऑल्सो वी नो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। और कैसे निकालेंगे, ओ डैश पी हमारे पास है 3 सेंटीमीटर और पी क्यू क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ओ डैश पी एंड ओ डैश पी इज 3। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको करना है और समझना। इसी के साथ बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। अगर कोई एक सर्कल है, हमने सर्कल बना लिया विद सेंटर एट पॉइंट ओ और फिर आपको ये कहा गया कि टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। दो इक्वल कॉर्ड्स हैं सर्कल की, यानी ए बी कॉर्ड सी डी के इक्वल है। ये इक्वल कॉर्ड्स हैं, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती हैं। किस पॉइंट पे, मैंने कहा कि ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। सो व्हाट यू हैव टू प्रूव, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। हमें ये प्रूव करना है कि एक कॉर्ड की जो सेगमेंट होगी वो दूसरी कॉर्ड की सेगमेंट के क्या होगी, इक्वल ही होगी। यानी कि जितना ए ई है बेटा उतना ही क्या है, ई डी है, और जितना सी ई है यानी ये पार्ट है उतना ही इसका ये पार्ट है यानी कि ई डी। तो हमें ये प्रूव करना है। सो देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स। ए बी एंड सी डी दे आर इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है।
अब लिख लेते हैं बेटा व्हाट यू हैव टू प्रूव। हमें प्रूव करना है बेटा कि जो इनके पार्ट्स हैं, यानी जो ए ई है, बड़ा पार्ट तो बड़े पार्ट के इक्वल इज इक्वल टू डी ई, और सी ई यानी ये जो छोटा पार्ट है ये किसके इक्वल है, बी ई के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है बेटा। अब देखिए कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, क्या कंस्ट्रक्शन है, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी। ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी। ये हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए हैं, साथ साथ ज्वाइन कर लिया हमने बेटा ओ ई, हमने लिखा कि ज्वाइन ओ ई ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। सबसे बेटा पहले हम बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये दो ट्राइंगल्स लेंगे और इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्राइंगल ओ एल ई एंड ट्राइंगल ओ एम ई, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जो एंगल L है हमारा वो एंगल M के इक्वल है बेटा। कंस्ट्रक्शन है हमारी कैसे है, 90 डिग्री के एंगल है। फिर साथ साथ हम लिख रहे हैं OL इज इक्वल टू OM। ये जो OL होगा, जो परपेंडिकुलर होगा, वो दोनों सेम होंगे। इसका रीजन मैं लिख रही हूँ देखना आप, बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे ही होती हैं, और OE दोनों में कॉमन। इसी के साथ बेटा ट्राइंगल हमारी OLE कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल OME के, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय RHS। RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट होने से हमने क्या लिखा, बाय CPCT दिस LE इज इक्वल टू ME। ये LE हमारा ME के इक्वल आ गया। उसके साथ साथ अब हम ये भी देखेंगे, देखिए AL इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, और हम साथ में ये भी लिख रहे हैं कि MD इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। अब ऐड कर लेते हैं इसमें, ए एल इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी और एम डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। तो ए बी सी डी के इक्वल है बेटा, तो इसका मतलब ए एल एम डी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पूरी ट्राइंगल पूरी साइड इक्वल है तो हाफ ऑफ भी इक्वल होगी, और हाफ ऑफ इक्वल होगी तो हमने एम एल इज इक्वल टू एम डी लिख लिया। अब ये नंबर वन है, ये नंबर टू है, ऐड कर लेते हैं हम इसको, एडिंग वन एंड टू। ऐड करिए बेटा ए एल प्लस एल ई इज इक्वल टू एम डी एम ई प्लस एम डी। हाँ जी, ए एल प्लस एल ई ये बन जाएगा ए ई, और ये देख लीजिए एम ई प्लस एम डी ये बन जाएगा आपका डी ई। एक पार्ट तो प्रूव हो गया ये हमारा। ऑल्सो क्या कर सकते हैं हम, ए बी सी डी के इक्वल है, इसको ए बी में से सबट्रैक्ट कर लो, ए बी माइनस ए ई इज इक्वल टू सी डी माइनस डी ई। अब ए बी में से ए ई सबट्रैक्ट कर लो तो ये बाद वाला पार्ट ही तो बच जाएगा आपका ई बी, और यहाँ से सबट्रैक्ट करेंगे तो सी ई बच जाएगा, और यही हमें प्रूव भी करना था। इस तरह से हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते। देखिए बेटा, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री की भी बेटा फिगर सेम ही है। कैसी फिगर है, स्टेटमेंट देखते हैं, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, इसी तरह से इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल के अंदर, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। वो कॉर्ड्स के साथ कैसे एंगल बनाएगी, इक्वल एंगल बनाएगी। तो यहाँ पे जो हमें प्रूव करना है, वो मुझे प्रूव करना है कि जो मेरा एंगल होगा ओ ई ए,
इज इक्वल टू एंगल ओ ई डी, यानी ये जो दो एंगल्स आएंगे हमारे, ये दोनों एंगल्स इक्वल आएंगे, ये हमें प्रूव करने। तो बेटा ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो हमने पिछले वाले पार्ट में भी प्रूव की है, उसी को साथ लेके शुरू करते हैं। मैं इसमें गिवन और टू प्रूव नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली कर रही हूँ। ट्राइंगल ली मैंने, इन ट्राइंगल ओ एल ई एंड ट्राइंगल ओ एल एम, फिर से वही रीजनिंग है बेटा, ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, ये कॉमन है, और साथ में क्या लिखेंगे, एंगल एल इज इक्वल टू एंगल एम, सेम रीजंस हैं जो आपने पिछले क्वेश्चन में लिखे हैं। तो बाय आर एच एस जो ट्राइंगल होगी आपकी ओ एल ई वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी बेटा ट्राइंगल ओ एम ई, और बाय सी पी सी टी, ज़्यादा दूर नहीं जाना हमें, सी पी सी टी से ही एंगल वन एंगल टू के इक्वल हो जाएगा, और हम ये कह सकते हैं कि एंगल ओ ई ए इज इक्वल टू एंगल ओ ई एम। यही हमें प्रूव करना था, दैट प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, दिस लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। ये जो लाइन है ये इस कॉर्ड के साथ भी वही एंगल बना रही है और इस कॉर्ड के साथ भी वही सेम एंगल बनाएगी। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन से द नेक्स्ट और द लास्ट वन फॉर दिस वीडियो। द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एट पॉइंट्स ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, इन पे अगर इंटरसेक्ट करें तो प्रूव करो, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, दैट इज ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हम प्रूव करेंगे बेटा। देखिए किस तरह से लेंगे बेटा हम सर्कल्स को, पहले फिगर ही बना लेते हैं। ये एक सर्कल है हमारा और कंसेंट्रिक सर्कल है, तो एक सर्कल सेम सेंटर के साथ बड़ा है, तो दिस इज द सर्कल विद सेंटर एट पॉइंट ओ। दोनों का ही सेंटर किस पॉइंट पे है, ओ पॉइंट पे। एक लाइन है जो दोनों कंसेंट्रिक सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रही है, किस तरह की लाइन है, मान लीजिए हमने ये लाइन बनाई, तो ये लाइन दोनों ही सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रही है। पॉइंट्स की नेमिंग कर लेते हैं, ये है ओ, ये पॉइंट है एम, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज सी, दिस इज ए एंड दिस इज डी। ये आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं बेटा पॉइंट्स, तो हमें वही नेमिंग करनी है। ओ एम ए बी सी डी, दीज ऑल आर द पॉइंट्स। अब हमें प्रूव क्या करना है कि जो ए बी है उतना ही हमारा क्या होगा, सी डी होगा, सॉरी दिस इज द पॉइंट डी, तो जितना ए बी है उतना ही सी डी आना चाहिए। तो कैसे प्रूव करेंगे बेटा, हम मान लेते हैं लेट ओ बी द सेंटर ऑफ दिस टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। हमने मान लिया कि ये ओ क्या है, इन दोनों ही सर्कल्स का सेंटर है। नाउ वी आर ड्रॉइंग, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ एम हमने इस ए बी पे क्या कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखिए वी नो दैट, क्या पता है आपको, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि बी एम इज इक्वल टू एम सी, हम ये लिख सकते हैं बी एम इज इक्वल टू एम सी, ये नंबर वन हो गया। फिर हम लिखते हैं ऑल्सो ए डी इज द कॉर्ड
बेटा पहले हमने कॉर्ड ली है BC और OM इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया। अब हम कह रहे हैं कि BC की बजाय जो कॉर्ड है पूरी वो है AD। अब AD कॉर्ड पे भी परपेंडिकुलर तो वही है ना OM। Then now AD is the chord of bigger circle। अब AD क्या है? Bigger circle की chord है and this OM is perpendicular to AD। OM क्या है? AD पे भी perpendicular है, तो क्या लिख सकते हैं आप? AM is equal to MD। यानी कि इस परपेंडिकुलर ने इस कोड को भी क्या कर दिया? बाइसेक्ट कर दिया है। अब आप क्या करेंगे? ए एम बड़ा है, बी एम छोटा है, तो 2-1 कर लीजिए, यानी कि ए एम माइनस बी एम। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में से सबट्रैक्ट करेंगे, राइट साइड को राइट में से सबट्रैक्ट करेंगे, यानी एम डी माइनस एम सी। कर लीजिए बेटा सबट्रैक्ट, ए एम माइनस बी एम, तो ये बच जाएगा ए बी। एम डी माइनस एम सी यहां बच गया है सी डी, और दिस इज वट वी हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन। ओके, अब यहां पे भी आप लिख सकते हैं कि ये जो ओ एम है इट इज परपेंडिकुलर टू बी सी, कि ओ एम हमारा बी सी पे परपेंडिकुलर था, इसमें हमारा जो ओ एम है वो ए डी पे परपेंडिकुलर लिया है। परपेंडिकुलर अलग अलग से अकॉर्डिंगली ही हमने उनको एज्यूम किया है। एक बार बड़े वाले सर्कल वाला ले लिया है बेटा, एक बार छोटे वाले सर्कल वाला ले लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। वॉच द वीडियो अगेन इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। बीच बीच में पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए कीजिए बेटा, या फिर उसको दोबारा से वीडियो को देख के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट भी हैं, चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और रिजल्ट्स भी इस चैप्टर के काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, टिल देन हैव अ गुड डे।